ये बताओ कैसा महसूस हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है चलने में? पहले तू बता अपनी तो वो तो कहाँ पूछे भाई साहब, वो दिक्कत ला रही बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ बताओ भाई साहब। यार बिल्कुल दिक्कत ना, अभी 100 मीटर का सूट मारे भाई, आई ब्लॉग में जा बैठ भैया। देखो राम जी की पदयात्रा पे बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत लोगों को प्यार, बहुत समर्थन, मतलब 1900 ज्यादा लोगों को प्यार भाई, सब लोग हमारे साथ ही चल रहा बहुत काफी टाइम, और बहुत मौसम बहुत अच्छा है, मौसम तो मस्त है, व्यू बहुत प्यारे हैं दोनों तरफ, नदियां आप देख रहे हो, नदियां ना पोखरा है, और महेंद्र को छोटो तो लौंडा गाड़ी में सुझक तो हो जा रहा है ठीक है जी। बाकी हम भी चल रहे, मजा आ रहा फुल मजा आ रहा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चल रहे ना भैया, ये रिंकू भैया, ये रे भैया प्रणाम, मेरा छोटा भाई जी के ठाकुर, और मैं बोलूं और मैं ये बीच को ठाकुर बोल रहा है, ये बीच को ठाकुर छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। बात करता खुली ना, बात करता राज की, मैं राजनीति के तो नहीं पर नीति नाम राज की, ये बात हिंदुओं की है ना, बात है एक समाज की, हुई धर्म की आनी तो फिर घर में राम आज भी, रगों में यो दौड़ता है राम जी का रक्त, वायु पुत्र तो नहीं पर राम का हूँ भक्त, कोशिश तो करी भतेरी धर्म के ठेकेदारों ने, पर अयोध्या से हिला सके ना राम जी का तख्त, हूँ मैं राम भक्त, हूँ राम भक्त। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई जैसे कि तुम्हें बता रहा था, कहाँ पे ठहरे, देखो यहाँ पे ठहरे, यो अपना अब बोरो बिस्तर पैक कर रहे हैं भाई, ये अपने चिल्ले का ना हम घर से, ये वाले जो कम्बल है, ये वाले जो कम्बल है ये अपने जानते हो तुम प्रदीप भैया, और बाकी भाई अब हमें निकलना है, आज जल्दी निकलना है भाई, टाइम दिखा दो तुम्हें एक बार, कितने बजे निकलना है आज हम जल्दी, कितने बज रहा है, 6:37, ये रहा भाई टाइम, तो अभी निकलना है भाई 6:37 पे, तो बाकी सब लोग जा चुके हैं, और तुम्हें बताओगे आज हमारी यात्रा का भाई ये छठवां दिन है, तो ये बार यहाँ का नज़ारा है भैया, ना 7:37, सॉरी भाई 7:37 है, 6 ना है, तो भाई अभी चल रहे हैं भाई सभी के लिए, आगे देखो कौन कौन खड़े हैं, ये सब ये इस रूम में रुको इधर आता हूँ, हाँ जी भैया बढ़िया, दर्द तो ना है रहा दर्द ना है रहा भाई किसी को, वो तो दिल इतने ऊंचे पे आए और इतने ऊपर से जाना पड़ा भैया दर्द में, देखते हैं अभी कहाँ का सीन होगा, नहाने की देखते हैं होगा ना होगा, वैसे मुश्किल ही नहाएंगे कई दिन दिन बंदनों को सुबह सुबह हमने ये खिला दिए बिस्किट वगैरह। तो भाइयों अपने मिर्जापुर पार कर दिया है, अब जा रहा है शाहजहानपुर के लिए, और बाकी सब लोग यहाँ हैं। इनको भैया साइड में, हाँ जी भैया बताओ कैसा महसूस हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है चलने में? पहले तू बता अपनी तो वो तो कहाँ पूछे भाई साहब, वो दिक्कत ला रही बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ बताओ भाई साहब। यार बिल्कुल दिक्कत ना, अभी 100 मीटर का सूट मारे भाई, आई ब्लॉग में जा बैठ भैया। देखो राम जी की पदयात्रा पे बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत लोगों को प्यार, बहुत समर्थन, मतलब 1900 ज्यादा लोगों को, ये रे भाई सब लोग हमारे साथ ही चल रहा बहुत काफी टाइम, और बहुत मौसम बहुत अच्छा है, मौसम तो मस्त है, व्यू बहुत प्यारे हैं दोनों तरफ, नदियां आप देख रहे हो, नदियां ना पोखरा है, और महेंद्र को छोटो तो लौंडा गाड़ी में सुझक तो हो जा रहा है ठीक है जी। बाकी हम भी चल रहे, मजा आ रहा फुल मजा आ रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये रिंकू भैया, ये रे भैया प्रणाम, मेरा छोटा भाई जी के ठाकुर, और मैं बोलूं और मैं ये बीच को ठाकुर बोल रहा है, ये बीच को ठाकुर छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक है भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई देखो रास्ते में ये क्या मिला हमें, ये फसल है भाई, ड्रैगन फ्रूट नाम की फसल है, ये तगड़ी फसल एकदम। हाँ तो भाइयों आ चुके हैं अब रोड पे, और पीछे देख रहे होंगे तुम्हें हमारी कार दिख रही होगी, और ये बड़े सन्नी भाई, और भाई अब चल रहे भाई मिर्जापुर से निकल चुके हैं, बाकी मिर्जापुर से भाई कहाँ जाना है ये हमें रास्ता कन्फर्म ना पता कहाँ जाना है, लेकिन हाँ जहाँ तक 50 किलोमीटर के आसपास में जोर सा कस्बा या गाँव पड़ेगा वहाँ पर रहेंगे रात को हम, और फिर अपनी अब है उसके बारे में बताएंगे भैया। अयोध्या के लिए तो देखो चल ही रहे हैं पैदल, यात्रा कर ही रहे हैं भाई साहब, पहले थे पांच थे हम अपने साथ के,
हम तीन और बढ़ गए हैं हमारे साथ, आठ हो गए भाई भैया, आठ बंदे हो गए हैं अयोध्या के लिए। जय श्री राम, आगे देखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों अभी निकल गए हैं मिर्जापुर से, अब जा रहे हैं शाहजहानपुर। शाहजहानपुर और मिर्जापुर के बीच में जो पुल पड़ता है, देखो भाई ये पुल है, देखो भाई ये वाला पुल है, ये पता कितना लंबा है, ये कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा है। और हाँ, इस पुल की एक खासियत बात है कि इस पे भाई वो नहीं चलते हैं, बाइक के अलावा और कुछ ना चलता, बाइक और पैदल आदमी चलता और कोई ना चलेगा, और कोई सवाल ना, ये खासियत बात है। और देखो बाइक से बड़े वाहन, देखो ट्रक वगैरह कहाँ पर चलते, तो मैं दिखा दूँ एक बार, देखो जी यूँ चल रहा है ना, देखो यूँ खासियत बात है यहाँ पे। या तो पुल बनाते समय कोई कमी हो गई है, कुछ भी हो गया हो, लेकिन यूँ है, देखो ऐसा चाह रहा है, यो देख रहे हो, ये खासियत बात है, मैंने यहाँ पर सुनी है, मतलब कि इस पुल में कोई कमी वगैरह आने के कारण इस पर बड़ा वाहन नहीं चलता, ओनली छोटे वाहन चलते हैं, जैसे बाइक आ रही है और पैदल आदमी, और कुछ ना चलता। भाई अभी निकल रहे हैं हम शाहजहानपुर के लिए, और बाकी भाई जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, और देखो ये चल रहा है जो पब्लिक, हम दोनों साइड में चल रहे हैं, बाकी हमारे समर्थन के लिए भाई लोग आ चुके हैं। और क्या ही बताऊँ यार, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जाते समय बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और भाई इस रूट पे एक और खासियत बात है, देखो तो मैं दिखा दूँ, जो उल्ली तरफ रूट है उस पर ओनली ये कार वगैरह आएंगी, और पल्ला वाला रूट है उस पर बड़े वाहन आएंगे, क्योंकि देखो वो तो देख रहे हो, इससे छोटे वाहन उल्ली साइड और बड़े वाहन पल्ली साइड, भाई यही सीन है यहाँ का। बाकी बढ़िया लग रहा है भाई यात्रा करते समय, और जिन जिन भाइयों ने हमें हमारी जर्नी देखी है अभी या ना देखी, तो भाई पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, पूरी जर्नी मिल जाएगी, और डेली कंटिन्यू ब्लॉग आते हैं हमारे, डेली सुबह को आते हैं, तो भाई जर्नी देखो, इन्जॉय करो भाई, लाइक मारो, कमेंट मारो, सब चीज़ करो भाई। जय श्री राम। और देखो यहाँ पे हमारी भगवान जी मिल जाते हैं, देखो जी धरे हुए गणेश जी और दुर्गा माता, जय श्री राम। भाई इस गांव का नाम है चौरा, और भाई ये इतना बिछड़ा गांव है कि देखो दूर दूर तक लाइट की व्यवस्था, वैसे लट्ठा लग रहे हैं, तार लग रहे हैं, बहुत बिछड़ा एरिया है भाई, देखना भाई ये खुद ही लगा लो अंदाज का कितना बिछड़ा एरिया है, देखना बहुत बिछड़ा गाँव है भाई ये देखो, इधर घर भी है लेकिन इधर देखो घर भी है लेकिन वहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है भाई, लेकिन अब यहाँ पर तरक्की होनी जाएगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक यहाँ पर हाईवे बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है, यो जो दिख रहा है, बहुत ही बिछड़ा एरिया है भाई, अब तक पहली बार देखो मैंने इतना बिछड़ा एरिया जब तक कि हमने यात्रा चालू करी है। तो भाई अब आ चुके हैं हम चौकी आजमपुर गांव पड़ता है, तो यहाँ से जा रहे हैं, बाकी ये यहाँ का नज़ारा भाई देखो, और बाकी आगे हमारे भाई लोग खड़े हैं भाई स्वागत के लिए, मैं दिखा दूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई भाइयों से देख कर, भाई स्वागत के लिए आगे खड़े हैं भाई, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौकी आजमपुर के भाई हैं ये सभी, भाई इसे कहते हैं प्यार भाई, गांव वालों का प्यार, पूरा गांव है समर्थन में भाई ये वाला गांव, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फतेह करता खुली ना बात है करता राज की, मैं राजनीति कह तो नहीं पर नीति नाम राज की, ये बात हिंदुओं की है ना बात है एक समाज की, हुई धर्म की आनी तो फिर घर में राम आज भी, रगों में यो दौड़ता है राम जी का रक्त, वायु पुत्र तो नहीं पर राम का हूँ भक्त, कोशिश तो करी भा तेरी धर्म के ठेकेदारों ने, पर अयोध्या से हिला सके ना राम जी का तख्त, हूँ मैं राम भक्त, हूँ राम भक्त, शांत है स्वभाव और घर में अपना रक्त, हूँ मैं राम भक्त, हूँ मैं राम भक्त, शास्त्रों का भी ज्ञानी और चलाने आते शस्त्र, हूँ मैं राम भक्त, सूर्य वंशी योद्धा के कुलधरा के स्वामी है लाल वो अयोध्या के, आदि वो अनादि जिसने अंत किया पाप का, क्षत्रिय कुल में जन्मे श्री राम मां कौशल्या के, अपने धर्म और गर्व अपनी जात का, मैं दास जी के ठाकुर श्री राम चंद्र पिता, राम के सपूत और माता अपनी जान की, मैं हिंदू हिंदू वादिता बिना करता बैठ,
मैं राम भक्त, मैं राम भक्त। मंदिर के निर्माण को, 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 मंदिर के निर्माण को। भाई बहुत अच्छा समर्थन रहा भाई, चौकी आजमपुर गांव के लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला भाई यहाँ से, बहुत अच्छा लगा भाई सभी से मिलके। आगे भाई यार गांव के बारे में बताता हूँ मैं कुछ, इस गांव के बारे में, ठीक है ना? सुनियो दिगोन से, ये टेम्पू चल लो पहले तो। अब ये टेम्पू दूध तीन तीन घंटा बाद आम है, इतना बिछड़ो गाँव है भाई, दूध दूध तक कोई गाँव ना दिखा तो मतलब दूध दूध तक। कौन सी जगह में घूम रहे हैं आप, कौन सी जगह में है, कौन सी जगह है? भाई रेगिस्तान ना, यू है भाई, चौकी आजमपुर गांव को पार करते हैं उस जगह पड़ता है, ये पता ना कौन सा गांव है, लेकिन हाँ वही वाला गांव पड़ता होगा, यही जो मैंने बताया चौकी आजमपुर। भाई बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के भी, काफ़ी भाई मुलाकात भी हुई काफ़ी लोगों से। बाकी और देखो हाँ वो दूध तो गाँव नहीं है, इतना बिछड़ा है यार, तो मैंने गाँव तो दिखाया, वो दूसरा गाँव तो जो दिखाया था मैंने, और ये भी है यार बताओ कितना सारा, और कोई नहीं यार, हम दो दिन से नहाए ना, आज नहाए ना कल, हमारी हमारी तो हालत है गई भाई बहुत बुरी। बाकी आगे चलने हमारे देखे भाई, और ये हमारे जो भाई मिले थे दोनों बंधु, नाम उनके तगड़े तगड़े हैं, इतने तगड़े तगड़े नाम है, अश्वधामा एक को नाम है पीछे वाले को, और एक को नाम है भाई जय श्री राम, और एक को नाम है भाई ओम शिव, बहुत तगड़े तगड़े नाम है भाई, दोनों के नाम तगड़े हैं लेकिन मस्त एकदम बेहतरीन। बाकी नज़ारा है ऐसा कुछ, तो भाई और रात हो गया भाई, चलते चलते सुबह निकले थे हम 7:37 पर, मुझे आज अभी भी टाइम याद है, और समझ रहे हो बाकी समर्थन भाइयों का बहुत अच्छा रहा भाई, सभी हमारी गैली रहे भाई सवेरे का, मतलब सुबह से हमारी गैली रहे भाई, और अब तो कार वगैरह भी लेके आया, जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे वहाँ के भाई लोग हैं ये, और भाई नाइट स्टे हम जगह का नाम भाई सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से 1 किलोमीटर उल्लम पड़ता है भाई अगनपुर, समझ रहे हो, तो वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे रात को हम। और भाई देखो हालत तो ख़राब हो ही रही है, देखो मेरी भी हो रही है, और देखो ये ठीक है भैया भी चल रहे हैं, देखो कैसे चल रहे टेढ़े मेढ़े, ये सबकी हालत ख़राब है, जो भाई है ये भी हमारे कह लिए सबकी हालत ख़राब है। और भाई दो दिन में चप्पल देखो कितनी किसकी, अभी तो तुम्हें दिखाऊंगा वहाँ पर जाकर कितनी क्या क्या सीन है, और बातचीत करेंगे भाई मन से, और जो जो सीन ही होगा भाई, सीन तो अच्छा चल रहा भाई, प्रभु जी की कृपा से सब चीज़ अच्छी चल रही है। ओ भाई क्या ही बताऊँ, जब तल के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जहाँ पर नाइट स्टे करेंगे वहाँ पर तुमसे बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, आज बताएंगे क्या क्या सीन हुआ, तो भाई जब तक के लिए बना रहे हो जय श्री राम। तो जहाँ पे हम रात को रुकेंगे उस जगह पे आ चुके हैं भाई, उस जगह का नाम है सुल्तानपुर अनंतपुर, दोनों एक ही गाँव है भाई, दोनों पुल के पट्टी को हरदोई जिला में पड़ते, और भाई ये जगह कुछ इस प्रकार की, तो मैं दिखा दूँ, और हमारे स्वागत के लिए इतने सारे भाई आ गए, इन भाइयों का दिल से धन्यवाद करेंगे भाई, इतनी जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भाई अब हो गई है बहुत ज्यादा रात, और हम खा पी के एकदम सेट है, और जहाँ पर रुके हैं भाई उस जगह का नाम है सुल्तानपुर, और भाई टाइम दिखा दूँ एक बार, टाइम कितना हो रहा है देखो, रात के बज रहा भाई 10:30, और ये भाई जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम मित्रों, और अपने देखो भैया, और भाई ये और भैया हमारे डी के भैया ज्यादा हार गया आज, तो भाई सो रहा है वो, और बाकी कर रहा भाई ब्लॉग को हम यहीं पे एंड, जय श्री राम। और भाई पहले रिंकू भैया से बात करो, रिंकू भैया कह दो राम राम कह दो, सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम। तो भाई अच्छा कचु कह रहे हो भैया, क्यों क्यों भैया क्यों, आज यात्रा में हमारे छोटे भाई डी के ठाकुर और हमारे कुलदीप जी और प्रदीप जी, संजी जी, प्रमोद जी और हमारे भाई शिवम और ये मंडू हमारा राजमन आ लिए भाई, बाकी भाई सुनो 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 भाई धामा धामा ये है भाई धामा मित्रों का विशेष सहयोग रहा, आज की यात्रा ही समाप्त होती है, जय श्री राम, जय श्री राम सारे मित्रों सो जाओ। तो भाई अगर हमारी ये वीडियो ब्लॉग अच्छो लगो हो तो भाई एक बार कमेंट कर दो, एक सब्सक्राइब बढ़ा दो और लाइक कर दो, अच्छा लगा हमारी पब्लिक समझा दो, तो भाई जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।